दिखा रही हूँ। और इसमें देखिए मैंने इस तरह से मलाई निकाल रही हूँ कढ़ाई में, देखिए। ये मलाई मैंने निकाल रही हूँ और फिर आपको मलाई कम से कम इसमें 500 ग्राम है, 500 ग्राम मलाई में आपको 250 ग्राम घी आराम से निकल जाएगी। इसमें 250 ग्राम घी मैंने निकाल कर आपको दिखाऊंगी। आप इस मलाई को भी आप निकालिए घर में, जो दूध लेते हैं गाय, वो देखिए मैंने भी इस तरह से दूध लिया है। इसको फ्रिज में रखिए और उसका रोटी की तरह मलाई जम जाएगी। और उस मलाई को आप इकट्ठा कर लीजिए एक कटोरे में, और एक कटोरे में इकट्ठा करके उसको रखिए फ्रिज में, और 2 से 4 दिन में आपका मलाई एक कटोरा हो जाएगी। तो उसके बाद आप इस तरह से आप मलाई निकाल सकते हैं गाइस। देखिए मैंने भी ये कढ़ाई में निकाल रही हूँ, और जब ये घी निकलने लगेगी तो फिर हम आपको दिखाऊंगी कि घी किस तरह निकाला जाता है मलाई से। आप बाहर का तो घी अभी बहुत ही मिक्स चलता है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एक नंबर मलाई और घर का शुद्ध देसी घी निकलेगा गाइस। देखिए मैंने इसमें निकाल के दिखा रही हूँ, और आपको जब घी निकल जाएगी तो भी आपको मैंने एक निकाल कर दिखाऊंगी। इस तरह से आप चलाते रहे एक बराबर के हिस्सों में, क्योंकि इसको चलाने से ही घी अच्छा निकलेगी। देखिए मैंने इस तरह से गैस का आँच थोड़ा सा तेज फ्लेम पर कर दी है, और ये देखिए मैंने इसको इस तरह से मलाई देखिए किस तरह से निकल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए ये साइड साइड में मलाई एकदम, देखिए इस साइड साइड में मलाई निकल रही है, बहुत ही बढ़िया मलाई निकल जाएगी गाइस। आपको 10 से 15 मिनट में घर में देसी मलाई एकदम एक नंबर मलाई रेडी हो जाएगी। देखिए घी आप निकाल सकते हैं कटोरे भर का, और रोटी के साथ, पराठा के साथ, ब्रेड के साथ भी आप सर्व कर सकते हो गाइस। बहुत ही टेस्टी है मलाई। देखिए मैंने इसको इस तरह से निकाल रही हूँ, आप देखिए मेरे वीडियो को, और देख कर इसको घर में आप भी मलाई निकालिए, और मलाई के द्वारा आप घर में कढ़ाई में घी निकाल सकते हैं। देखिए ये मेरे पूरा येल्लो येल्लो नज़र आ रहा है, ये एक नंबर घी निकल रहा है। इसको फिर मैं आपको छान कर दिखाऊंगी घी किस तरह से निकाल कर आप अलग कर सकते हो। ये देखिए मैंने बहुत ही बढ़िया घी निकल रहा है, देखिए किस तरह और कितना अधिक मात्रा में घी निकल रहा है। तो गाइस कम से कम ये मेरा तो लग रहा है 250 से कम से कम 300 ग्राम घी निकलेगी। और मैंने आपको घी निकाल कर दिखाऊंगी कि ये देखिए कितना बढ़िया घी है, और ये देखिए कितना ही मस्त घी निकल रहा है। देखिए एकदम चप 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 कर रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखिए घी का ये घी निकल रही है, देखिए येल्लो येल्लो एकदम, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने से गाइस। आप भी घर में निकालो मेरे वीडियो को देखकर, फिर हम आपको घी निकाल कर मिलूंगी। तो गाइस देखिए ये मेरे घी रेडी हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह से पूरा ही घी, इनका मलाई जल चुका है, ब्राउन हो चुका है, और ये देखिए इस तरह से इसमें घी का उबाल मार रही है। ये घी एक नंबर ही रेडी हो चुकी है, और इसको मैंने आप चाय छन्नी के द्वारा या चम्मच की द्वारा एक कटोरी में निकाल कर आपको दिखाऊंगी गाइस। देखिए ये बहुत ही बढ़िया घी रेडी हो चुकी है, देखिए गाइस। ये मेरा मैंने बताया था कि 250 से 300 ग्राम घी रेडी होगी, लेकिन मेरा उतना ही तैयार हो चुकी है घी। देखिए इस तरह से इनका ये जो मलाई का था वो देखिए इस तरह से ब्राउन ब्राउन हो चुका है बहुत। और गाइस ये जो जला हुआ मलाई का है तो हम लोग चीनी मिलाकर भी घर में खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही अच्छा लगती है। ये देखिए मैंने ये घी निकालिए, आप घी निकालने का आसान तरीका है एकदम, मलाई के से घी एक नंबर निकलती है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का मिलावटी नहीं है, इसका हलवा भी बना के खा सकते हैं, पराठा भी खा सकते हैं। आपको मैंने तो बताया है गाइस, ये इनका हलवा भी बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में। इस चीज़ को भी आप हलवा बना के खा सकते हैं। इनका जो जला हुआ मलाई का जो ये देखिए इस तरह से जला हुआ है, वो आप इसको हलवा भी बना के इसमें बेसन मिक्स करके और इसको भूनकर हलवा भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही
बढ़िया लगता है, स्वादिष्ट लगता है खाने में, और एक नंबर घी का हलवा तैयार हो जाता है। तो मैंने अब गैस को तेज फ्लेम पर रखा था और इसको मैंने अब बुझा देती हूँ, क्योंकि मेरा घी देखिए एकदम रेडी हो चुका है। रेडी होने के कारण ये ऊपर पूरा फेन आ चुकी है। ये बहुत ही बढ़िया, इसका कम से कम 5 मिनट में सारा फेन मर जाएगा और घी सारा ऊपर आ जाएगी गैस। और ये घी आप निकाल कर कटोरी में ठंडे करके और किसी भी डब्बे में रख सकते हो और घर में यूज कर सकते हो पर डे। आप दाल के साथ भी ले सकते हो, चावल के साथ भी ले सकते हो गैस। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और इसको मैं आपको फिर कटोरी में निकाल कर आपको दिखाती हूँ गैस। तो गैस देखिए मैंने ये चाय छन्नी की मदद से सारा घी निकाल ली है। इस तरह से देखिए मैंने छान ली है। इसमें सारा बारीक बारीक जो भी है मलाई का जला हुआ वो निकल चुकी है। और ये देखिए मैंने इस वर्नी में भी निकाल कर रख ली हूँ। और इसको मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये किस तरह से मेरा घी रेडी हो चुका है। देखिएगा ये एक नंबर घी है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये बहुत ही शुद्ध घी तैयार हो चुकी है। देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ उठाकर, क्योंकि ये घी बहुत ही एक कटोरे निकल चुके हैं, 300 ग्राम से भी अधिक मात्रा में ये घी निकली हुई है। और इसको मैंने एक डब्बे में रखती हूँ। इसको ये देखिए मैंने इस तरह के डब्बे रखी है। ये देखिए पारस घी का डब्बा है, इसमें मैंने भर कर रखी हूँ घी। और इसमें आप भी भर के रखो, इसमें बहुत ही बढ़िया रहेगा घी और खाने में बहुत ही टेस्टी रहेगा गैस। देखिए ये मैंने इस तरह से घी निकाल चुकी हूँ। ये देखिए घी है, आपको भी इस घी से मदद से निकालिए। और ये देखिए मैंने यहाँ इनका जला हुआ जो कुछ मलाई का था वो भी निकल चुकी है। इसमें आप चीनी मिलाकर खा सकते हो गैस। देखिए ये बहुत ही ब्राउन ब्राउन और बहुत ही सौंधापन है इसमें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने घी भी निकाल ली है, इसमें दो दो फायदे आपको हो चुके हैं गैस। तो ये यदि मलाई निकालने का अच्छा तरीका है तो आप घर में निकाल सकते हो। और मेरी वीडियो यदि पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाना ना भूलेगा। आप ये देखिए, बाय बाय।